अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, अल्लाह की मेहरबानी से खुश होंगे। तो नाज़रीन, आज मैं खड़ा हूँ खैरपुर मीरस में, एक जो है बिलावल भुट्टो पार्क के नाम पर। वहाँ पर ये जो है, ऐसे समझें कि आप खैरपुर मीरस वालों के लिए एक बेहतरीन जो है पार्क है। इसके इसमें जो है फैमिली के साथ भी आप आ सकते हैं और बच्चों के जो है खेलने के लिए भी अंदर कुछ है जो बच्चे खेलेंगे। और आपको अगर हम ये विज़िट कराएंगे तो इंशाल्लाह आपको जो है मज़ा आएगा। और एक ये बेहतरीन पार्क है। इसके जो गेट हैं वो दो गेट हैं, एक मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रही है और एक उसकी दूसरी तरफ जहाँ से जो है मीरवा कैनाल है वहाँ के नज़दीक जो है वो दूसरी गेट है। तो अभी हम अंदर जाएंगे और आपको जो है पूरी विज़िट कराएंगे और दिखाएंगे कि ये जो पार्क है किस तरह से खूबसूरत बनाया गया है और इसमें क्या क्या है। तो जी, हम अंदर आ गए हैं। ये जो है आपको है पार्क नज़र आएगा और सामने जैसे ही हम एंटर होंगे तो ये सामने एक बोर्ड है जहाँ पर जो है कुछ हिदायतें दी गई हैं, वो आपको इधर पढ़नी है। और उसके बाद ये जो ट्रैक है ये है अराउंड तकरीबन 4-5 किलोमीटर है। यहाँ पर जो है खैरपुर के रहवासी आते हैं सुबह को और शाम। यहाँ पर जो है ये वॉक के लिए बनाया गया है और इसके पार्क के बारे में जो है कुछ ये इसके गेट के ऊपर लिखा गया है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है सामने, ये मेन ट्रैक है अंदर जाने के लिए। और चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये कैसा है। ये सामने सेंटर पर जो है एक एरोप्लेन रखा गया है। ये जंगी एरोप्लेन है जो यहाँ पे रखा गया है ताकि जो है ये पार्क और भी खूबसूरत लगे। ये बनाया तो पानी के लिए गए, लेकिन अभी इसमें पानी नहीं है, शायद कुछ खराबी की वजह से।
ये है जी एरोप्लेन जो यहाँ पर रखा गया है।
ناظرین یہ تھا جو ہے خیرپور میرس کا بلاول بھٹو پارک جو ہم نے آپ کو دکھایا، اس کی وزٹ کرائی۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ آئیں گے، بچوں کے ساتھ آئیں گے تو یہ ایک بہت جو ہے بڑا پارک ہے، اور اگر آپ یہاں آئیں گے تو آپ فل انجوائے کریں گے، اور بچوں کے کھیلنے کے لیے بھی یہاں پر جو ہے کچھ جو ہے بنایا گیا ہے، وہ بھی انجوائے کریں گے، آپ کو بہت مزہ آئے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں ایک نیو ولاگ کے ساتھ۔ بہت سارا اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔